आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज के प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। झारखंड में 2.5 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल, आधी रात से होगा लागू। 16 विदेशी जमातियों को नहीं मिली जमानत। पीएलएफआई उग्रवादी जिदन गुड़िया का दस्ते और पुलिस के बीच मुठभेड़, बाइक समेत कई सामान बरामद। छत्तीसगढ़ मुठभेड़ में शहीद जवान का शव पहुंचा साहिबगंज, दी गई अंतिम सलामी। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना की एंट्री, चालुकिया में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमत में राज्य सरकार ने बढ़ोतरी की है। पेट्रोल और डीजल में सरकार ने 2.5 रुपए की वृद्धि की है। बढ़ी हुई दरें आज रात 12 बजे के बाद से लागू हो जाएंगी। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बयान जारी कर कहा है कि राजस्व में बढ़ोतरी के लिए पेट्रोल डीजल के सेल्स टैक्स में दी गई छूट को वापस लेने का यह निर्णय लिया गया है। बता दें कि देश के दूसरे राज्यों से पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। झारखंड सरकार ने सेल्स टैक्स रिबेट वापस ले लिया, जिसके बाद पेट्रोल डीजल 2.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। रांची की अदालत ने तबलीगी जमात से जुड़े सभी 16 विदेशियों की जमानत खारिज कर दी है। मंगलवार को CJM फहीम किरवानी की अदालत ने इन सभी विदेशी मौलवियों के मामले की सुनवाई करते हुए बेल रिजेक्ट कर दी। फिलहाल इन्हें होटवार के कैम्प जेल में रखने का आदेश कोर्ट ने दिया है। टूरिस्ट वीजा पर भारत में दाखिल हुए इन सभी विदेशी स्कॉलरों को 30 मार्च को राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके की बड़ी मस्जिद और मदीना मस्जिद से गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने हिंदपीढ़ी के आरोपित हाजी मिराजुद्दीन को जमानत दे दी है। जिन विदेशियों की जमानत ठुकराई गई है उनमें लंदन का जाहिद कबीर, शिफान हुसैन खान, यूके का महसीन अहमद, काजी दिलावर हुसैन, वेस्टइंडीज का फारूक अलबर्ट खान, हॉलैंड का मोहम्मद सैफुल इस्लाम, त्रिनिदाद का नदीम खान, जाम्बिया का मुसा जालाम, परमीन सेसे, मलेशिया का सिति आयशा बिनती, नूर रशीदा बिनती, नूर हयाती बिनती, अहमद नूर करामुजामा, महजीर बिन खामिस, मोहम्मद शफीक एवं मोहम्मद अजीम शामिल हैं। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। चाईबासा जिला पुलिस और CRPF 60 की संयुक्त टीम की PLFI उग्रवादियों के साथ मंगलवार को मुठभेड़ हो गई। घटना जिले के बंदगावा गुदड़ी के बॉर्डर पर कमरोरा जतरमा क्षेत्र के जंगल की है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली, जिसके बाद सुरक्षा बल को भारी पड़ता देख उग्रवादी घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। घटना के बाद इलाके में सर्च अभियान के दौरान एक बाइक समेत उग्रवादियों के कई सामान बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार जंगल में जिदन गुड़िया के दस्ते के होने की सूचना पर पुलिस सर्च अभियान चला रही थी। इसी दौरान उन्हें देखते ही उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। बताया जा रहा है कि जंगल में PLFI कमांडर जिदन गुड़िया के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई है। जिदन के खिलाफ राज्य के विभिन्न जिलों में 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। जिदन के खिलाफ हत्या, रंगदारी, अपहरण, पुलिस बल पर हमला आदि जैसे संगीन अपराध दर्ज हैं। वहीं मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों द्वारा जंगल में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद CRPF जवान मुन्ना यादव का पार्थिव शरीर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मंगलवार को साहिबगंज लाया गया। साहिबगंज के जैप 9 में बने हेलीपैड पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से जवान का पार्थिव शरीर लाया गया। यहां पर शहीद जवान को अंतिम सलामी दी गई। मुन्ना यादव CRPF की 170वीं बटालियन के कांस्टेबल थे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में मिरतूर थाना क्षेत्र में बीते सोमवार को मुठभेड़ हुई थी, जिसमें CRPF के जवान मुन्ना यादव शहीद हो गए। इस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जिला रिजर्व गार्ड और CRPF की संयुक्त टीम रवाना की गई थी। दोपहर करीब 2 बजे नक्सलियों से आमना सामना हो गया। अचानक हुई फायरिंग में साहिबगंज जिले के महादेवगंज निवासी मुन्ना यादव घायल हो गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। अब तक कोरोना के संक्रमण से अछूता झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में कोरोना ने एंट्री मार दी है। यहां चालुकिया इलाके में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यह चालुकिया के पुराना बाजार एवं जुगी पाड़ा बस्ती के रहने वाले हैं। दोनों बीते दिनों कोलकाता से चालुकिया आए थे। उपायुक्त डॉक्टर रविशंकर शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है। चालुकिया में कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना के बाद सोमवार की रात प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और दोनों मरीजों के साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को जांच के लिए जमशेदपुर ले गए। सबों को जमशेदपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया है।
कोरोना पॉजिटिव में एक छात्र और एक छात्रा हैं। कोल्हान प्रमंडल में पहली बार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। इसके साथ ही अब झारखंड के 24 जिलों में 14 में कोरोना पॉजिटिव केस मिल गया है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।